नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है डेली स्वैग का है भाई, सैयद मुजम्मिल वापस आ गए हैं और उनका वीडियोस आना शुरू हो गया, तो मैंने कहा चलो यार। तो टाइटल है मुस्लिम कंट्रीज डू नॉट वॉन्ट पाकिस्तानी वर्कर्स, बेगर्स एंड क्रिमिनल्स आर नॉट वॉन्टेड। चलिए भाई देखें पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। हो गया सर, आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजे को परमानेंट बैन कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर 50% जो क्राइम रेट है, जो 50% जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वहाँ पर पार्ट ले रहे हैं, और इसका सिर्फ पाकिस्तानियों को 50% पाकिस्तानी वहाँ पर इन्वॉल्व है। आप देखें इंडिया का नाम नहीं आया इसमें, आप देखें बांग्लादेश का उन्होंने वीजेस बैन नहीं किया, आप देखें अफगानिस्तान के वीजेस बैन नहीं किए। हमारे ही क्यों वीजेस बैन करती दुनिया, क्यों हमें एक्सेप्ट नहीं करती एज अ कौम, एज अ नेशन, क्यों हम इतने करप्ट हैं? देखें, करप्शन का जो मैटर है ना, वो तो खैर पाकिस्तान का बुनियादी मैटर है। इसको आप किसी और भी जहाँ भी लिंक करेंगे वो एक अलग मामला है, लेकिन ये तो खैर लोकल भी हमारी, मतलब पंजाबी जी कहते हैं हड्डियाँ जी बड़े है, ठीक? दो नंबरी, हाँ, मतलब करप्शन जेड़ी, करप्शन भाई, करप्शन मीन्स के इवन आप बिस्किट खाएं फ्लैप नीचे फेंक दें वो भी करप्शन है। बिल्कुल करप्शन है, ठीक है ना? सही बात है। तो ये तो मतलब हमारा नेशनल मैटर तो जो लेवल का तो है ही है, ठीक है ना? डेफिनेटली हम इसमें, मेरे ख्याल है शायद दुनिया में अगर टॉप पे नहीं है तो टॉप के करीब करीब तो हम हैं ही हैं, वैसे भी हैं। सही बात है। लेकिन ये है कि अब ठीक है, मतलब दुनिया की जो भी बाकी जो कौमें हैं वो मतलब अगर देखती हैं कि हाँ जी ये इस मुल्क से, इस एरिया से जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा इशू करते हैं, तो वो डेफिनेटली अपना कोई जो भी प्रिवेंटिव मेजर जो है वो तो अडॉप्ट करना उनका राइट है। सर अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंडिया की, सर इंडिया की आबादी देखें हमसे कहीं गुना ज़्यादा। मैंने मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है? अब इकोनॉमिक्स में मैंने अपने टीचर से पूछा, उस वक्त की बात है, ये 87-88 की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा सर उर्दू में पढ़नी है या इंग्लिश में पढ़नी है? उसने कहा यार अब मतलब उर्दू में है कानून तकलील अफादाय मुख्ततम और इंग्लिश में है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश की बेस थी, मैंने कहा चलें यार ये इंग्लिश बेहतर है कम, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा सर रेफरेंस बुक, उसने कहा जी इंडियन राइटर है के डेविड। अच्छा, एट दैट टाइम, ये मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा जी पाकिस्तानी कोई नहीं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी नकल मार। अल्लाह माफ करे। रेफरेंस बुक आपको काम की जो है, ठीक है? और बिलीव मी कि मैंने जितने भी देखी हैं कि पाकिस्तान में अभी शायद अब कुछ मामला चल पड़ा हो कि रिसर्च का या एक अच्छी बुक्स लिखने का, लेकिन यह है कि इवन आप इंडिया से आप उस मामले में या टेक्नोलॉजी में या अदरवाइज बिहेवियर के मामले में आप इंडिया के भी अगर फ्रेंकली रियलिस्टिकली मुझसे पूछें, ठीक है, तो हम इंडिया को भी जो है वो कम्पीट नहीं करते सर। हर एक चीज़ के अंदर हम कहते हैं कि भाई मुकाबला करेंगे इंडिया का, सर ईमानदारी में क्यों नहीं हम कहते मुकाबला करेंगे? नहीं, नहीं, देखें वो तो हम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक जो फैक्टर है कि जी हमारा तकसीम में की वजह से उनके साथ पटा पड़ा है, तो वो उसकी वजह से हमारी उनके साथ लड़ाई है, या हम कहते हैं कि जी वो काफिर हैं बस। काफिर कह के बात खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सर वो काफिर होने के बाद भी इतनी डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं? तो काफिर कुफर नहीं, सारा जिनको हम काफिर कह रहे हैं, सारी दुनिया जिनको हम काफिर कह रहे हैं वो सारी दुनिया हमसे 100 गुना ऊपर है, ठीक है? तो हम तो सिर्फ लड़ाई जो है ना इसी बात को कि जी हमारी ये कुफर और इस्लाम, कुफर और इस्लाम की लड़ाई है। सही बात। जबकि अगर हकीकत में देखा जाए तो हम फिर इस्लाम वाली बात जो है ना वो भी हम में फिर कितनी है इसके बारे में मैं कोई स्टेटमेंट जो है ना को बैरोमीटर में देना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उस पर एक अजीब बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन हर बंदा ये बताए कि वो कितनी है। बिल्कुल सही बात। तो मेरे ख्याल में खुद ही पता चल जाएगा आपको कि जी ये असल में फिर उसकी जो हकीकत है कि हमारा इंडिया के साथ जो टकराव है, सही बात है, वो क्रिकेट मैच पे शुरू होता है और उसी पे खत्म हो जाता है, बस। बाकी चीजों में हम उनके मुकाबला नहीं कर सकते।
अब तो क्रिकेट में भी नहीं कर पा रहे, क्रिकेट में भी वो जीत रहे हमसे, ठीक है ना। बात तो ये है कि अब तो हम तो क्रिकेट में भी वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है सर। कैसे देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह से इंडिया के नाम हर कोई कंट्री इंडिया के गुण गा रही है, हर कोई कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रही है, हमें क्यों बैकएंड पे किया जाता है? क्या हम एज अ कॉम करप्ट है? क्या हम सारी बातें इल्जाम अपने पॉलिटिशियंस पे लगा देते हैं? एक पॉलिटिशियन क्या करेगा जब कौम पूरी के पूरी अपना या नफसी या नफसी में हो? नहीं, देखें बात यह है कि लीडर ये कभी नहीं कहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब वो उर्दू की एक टर्म है कह तो रजाल, कि यहाँ पे मतलब लीडरशिप का कहत है, लीडर है ही कोई नहीं। लीड जो करेगा ना, अब लीड करने का क्या मतलब होता है, कि उसका करेक्टर इतना शानदार होना चाहिए कि लोग कहें कि यार इसको ओके, ये ओके है, इसके पीछे चलो। कौन है? ठीक है, अभी तो कोई भी नहीं है। अभी तो कोई लोग इमरान खान कहते हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि भी कौन लीडर है यहाँ? कोई क्या भी नहीं है। कौन ऐसा है जो लीडरशिप की जो डेफिनेशन है उसको क्वालिफाई कर? क्या इंडिया के पास है? नहीं, मैं पाकिस्तान के रेफरेंस हमारी ठीक है, आपने बात कर ली, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उनके पास है लीडर्स? डेफिनेटली है। कौन से, कौन है? देखें, उन्होंने स्टार्ट में ही उन्होंने पॉलिसी लाइन अपनी जो अडॉप्ट की, हमने तो इम्पोर्ट पे रखा ना कि भी हर चीज़ मतलब डॉलर लेते जाओ, एड में लेते जाओ और बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करते जाओ। उन्होंने आप फिल्मों में भी देखते होंगे अभी भी जो हैं या पुरानी फिल्मों में, कि वो उनकी अपनी वो गाड़ियाँ होती थी जिसको हम दकियानुसी गाड़ियाँ कहते, जो मारुति वगैरह और दूसरी तीसरी जो हैं, लेकिन उन्होंने अब एटलीस्ट अभी भी अगर मल्टीनेशनल वहाँ पे आई हैं तो उन्होंने अपनी एक बेस जो है, मिनिमम बेस जो है वो तो उन्होंने एस्टेब्लिश की है, ठीक है। आप उसको तो रूल आउट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कहा सर, ठीक है। और आईटी में मतलब ठीक है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इंडिया कितना आगे है और कब से है और उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं? सर हमारी पूरी जीडीपी के जितना तो वो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी एक्सपोर्ट तो फिर कहाँ कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं। नो, एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। हाँ देखें, बात ये है कि रब को रहम आ जाए तो वो एक अलहदा बात है कि वो लीडर उतार दे, अदरवाइज आप खुद जो है उसको नाप तोल लें कि कौम का बिहेवियर जो है एज कलेक्टिवली जो है वो क्या ऐसा है कि ये कोई बेहतरी की लाइन की तरफ जाते नजर आते हैं। सही होगा सर, ये तो ज्यादा डेली खराबी से खराबी की तरफ काम जाना सर। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कितनी बढ़िया बातें की इन्होंने, लॉजिकल बातें की, पढ़े लिखे आदमी लग रहे थे, समझदार आदमी लग रहे थे, लेकिन वेरी सॉरी टू से, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तान में ऐसे लोग 0.1% भी नहीं, बहुत कम लोग हैं जो ऐसी सेंसिबल बातें करते हैं। कोई बदतमीजी नहीं की, कोई किसी धर्म को इन्होंने नीचा नहीं दिखाया, फैक्चुअली बात की है, लॉजिकल बात की है, एग्जाम्पल देके बात की है। इनकी बातों को सुनकर मुझे भी बड़ा मजा आया, लेकिन ऐसे लोग पाकिस्तान में 1 करोड़ में शायद एक होंगे, तो 25 करोड़ में 25 होंगे बस, बाकी सारे जो हैं एक से बढ़कर एक घसिया। सर नाम आपका? शफीक। क्या करते हैं? गार्ड, जबरदस्त सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ मौजूद है। सर बात करने का आपसे पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि जो भी लोग पाकिस्तानी दुबई जा रहे थे, दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के 50% क्राइम रेट है, सबसे ज्यादा वहां पर जाकर जुराइम करने वाले 50% लोग पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने हमारी वीजेस बैन कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को अब हम दुबई बुलाएंगे ही नहीं, बाकी इंडिया को बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं, हम किसान के साथ कोई वास्ता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानी मेरा ख्याल है सबसे ईमानदार कौम है, सबसे ईमानदार कौम है। अच्छा। वो लोग ऐसे मतलब है कि इंडिया वाले सर झुकाते हैं और हम सर नहीं झुकाते, तो हम बदमाश हैं। बदमाश नहीं है, मतलब अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, सही सही, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जानते, बाकी तो बाहर मुल्कों में हर के संगे कर सकते हैं, क्योंकि उधर हमारा एक कम्युनिटी है और उसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड है। कुछ तो शर्म लिहाज करो सर, सच बोलो,
हिंदुस्तानी झुकना जानते हैं, हम झुकना नहीं जानते। अबे जो चीजें झुकती नहीं है वो टूट जाती हैं, प्रैक्टिकल भी और इतिहास गवा रहा है। जो जितना फलदार पेड़ होता है ना वो उतना झुकता है। कहने का मतलब ये है कि जो जितना बड़ा अच्छा आदमी होता है ना वो झुकने का सेंस मतलब कि वो हम्बल होता है, अकड़ नहीं होती उसमें, तुम में अकड़ है। और जिसने अकड़ दिखाई है वो टूटा है, याद रखना। और आप कह रहे हो सबसे ईमानदार पाकिस्तानी है। ईमानदारी का सबसे ताजा उदाहरण आया है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA, उसकी एक सीनियर एयर होस्टेस लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार की जाती है, पता है किस लिए? रियाल चुरा कर लेकर आ रही थी। 140,000 रियाल चुराने का मेरा मतलब है कि वहां पर किसी ने दिया होगा, जो ब्लैक का पैसा होगा, बोला होगा कि आप पहुंचा दो, टैक्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, चुपके से पहुंच जाएगा हवाले के जरिए, आप पहुंचा दो, आपको तो कोई चेक भी नहीं करेगा, इसमें से कुछ परसेंटेज आप रख लेना, बाकी हमें दे देना। देखिए वीडियो। और भी रह गए, वो भी निकाल रह गए। राम ना राम ना, मुझे शुरू तो आगे देखो, शुरू उतारे सारे उतार, नीचे देख रहे हैं, कोक उतार दें जरा, पचास हजार ये सर ने हैंड ओवर किया, डेढ़ एक किलो ये पचास हजार है, 50,000 ये सर ने हैंड ओवर किया, तो मैंने सच नहीं की, सच किया और तीन दफा किए इनकी, तो मैंने ये निकाल लिया। हाँ चले ठीक है। और मैं आपको ऐसे 1,000 वीडियोस दिखा सकता हूं जो पाकिस्तानी चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, और आप कहते हैं पाकिस्तानी ईमानदार हैं। अबे अगर पाकिस्तानी ईमानदार होते तो आज पाकिस्तान का पूरा पूरी दुनिया में डंका बज रहा होता। सबसे ज्यादा अगर कोई बेईमान कौम है तो वो पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा बेईमान, बेईमानी आपके DNA में घुसी हुई है। और अब बात करते हैं, मैं उन पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं जो पाकिस्तानी बेचारे ईमानदार हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। हर जगह आप लोग बेईमानी करते हैं, दूध बेचने में बेईमानी, शक्कर बेचने में बेईमानी, तेल बेचने में बेईमानी, एक दूसरे को धोखा, एक दूसरे को फ्रॉड, क्या बात करते हो यार। उसकी वजह से ना हम लोग जो है ना एक मतलब है कि अगर सर हम समझो कि 1,000 दरम हम क्या नाम है इंडियन लेते, हम 1,000 नहीं लेते, हम 1,500 लेते हैं, क्योंकि वो और काम करते हैं, सफाई भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, जो हमें दिया है वो हम करते हैं। जो आप एक सिक्योरिटी गार्ड और ऐसी बातें कर रहे हैं, तुम सिक्योरिटी गार्ड क्यों बने हो बे? क्यों बने हो सिक्योरिटी गार्ड? तुम भारतीयों को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम अपने यहां गार्ड की नौकरी करते हो और तुम बता रहे हो कि भारतीय कुछ भी कर लेते हैं? अबे तुम्हें पैसे मिलेंगे ना, तुम अभी टट्टी साफ करोगे वहां पर बैठ के, पाकिस्तान के भीतर ही 1,00,000 रुपए दूं ना मैं अभी तुम्हें, टट्टी साफ करोगे बैठ के? बात करते हो यार। पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि जी वो झाड़ू लगाने का भी काम कर लेंगे और हम 1,500 दिरहम लेंगे। जरा अपने मालिक से पूछना कि जितने तुम्हें पैसे मांगते हो उतना मिलते हैं क्या तुम्हें, वरना आप तो गार्ड की नौकरी कर रहे होते। बात करते हो, भारत के गार्ड भी तुमसे बहुत बेहतर हैं, कम से कम इस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करते हमारे यहां के गार्ड भी। और वो किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, जो आपको दिया वो काम करते हैं। हम वो निगुन से वो बर्दाश्त नहीं होते। और दूसरी बात है कि वो लोग तो मंदिर बना रहे हैं, उनका तो सारा फोकस हिंदुओं की तरफ है। मंदिर बन गया हुआ? हाँ ना, तो बना हुआ है मेरे ख्याल, दो मंदिर बने। हाँ तो इसलिए तो उनका फोकस उनकी तरफ है, वो मुसलमान ये करने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं ये गलत है, खास करके पाकिस्तानी हमेशा के लिए हम दीन में आगे हैं, इस वजह से वो लोग मतलब है कि हम दीन में बहुत आगे हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे सर, हम पर कर्जा इतना, पर अजाब नहीं हुआ है, हमने मुंह बंद किए हुए हैं, जो बंद हक की बात नहीं कर सकते ना उसके ऊपर अजाब आता है। सही, हमारे मुल्क में करप्ट लोग है, सब क्या क्या नहीं हो रहा है सर। क्राइम रेट के अंदर दुबई ने रिपोर्ट, अभी लाहौर में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, लाहौर में 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, पानी भर गया है, भयंकर एक तरह से अजाब आ गया है। यही जब UAE में अजाब आया तो यही पाकिस्तानी कह रहे थे वो मंदिर बनाया ना इसलिए अजाब आया, अजाब आया, अजाब आया, अजाब आया। अभी तो कोई पाकिस्तानी बताएगा कि अब तुम्हारे यहां क्यों अजाब आया हुआ है? बेईमान लोग, धोखेबाज लोग, फ्रॉडिये लोग, दो नंबरी लोग, हमारे मंदिर को तुम लोग ठहरा रहे थे,
लो देखो अब तुम्हारे बताओ ना किस लिए अजाब आया है, क्योंकि तुम्हारा पूरा देश बेईमान है। वो लोग नहीं जो ईमानदार है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं तुम लोगों की वजह से आया। लेकिन तुम लोग कहोगे नहीं ये तो क्लाइमेट की प्रॉब्लम आ गई, क्लाइमेट चेंज से हमारे यहाँ आया। अच्छा जी, इसलिए मैं कहता हूँ इतने दोगले हैं पाकिस्तानी, यूएई में आए तो जी अल्लाह का अजाब है क्योंकि मंदिर बना है, तुम्हारे यहाँ आए तो जी क्लाइमेट चेंज है जी। दुबई ने रिपोर्ट जारी की है क्राइम रेट के अंदर पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी 50% क्राइम रेट में है। यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं भीख मांगते हैं, सिग्नलों में खड़े होकर गिरियां बेच रहे हैं, अच्छा स्मगल कर रहे हैं चीजें। ये बात तो सही है कि वो उधर सुने कि तो इंडियन नहीं कर रहे, वो कहते हैं इंडियन तो पहले से भिखारी है, तो उसको जरूरत क्या है, भिखारी की चीज में वो और चीज नहीं भिखारी है। मतलब मैं आपको कहा कि वो हजार में करते हैं पाकिस्तानी, वो तो फिर अपनी वो तो ईमानदारी हुई ना उनकी, वो तो देखे ईमानदारी नहीं हुई ना। एक काम है आपको, अभी आप कर रहे हैं ना न्यूज, आपको आप अगर बोलेगा कि आप गाड़ी भी चलाओ साथ, न्यूज भी करो, सफाई भी करो दफ्तर का, तो आप करोगे? आप तो एक काम करोगे ना, एक काम के लिए हायर करते हैं वहां पर, तो क्यों एक काम करोगे? इसको हार्ड वर्किंग होना कहते हैं, इसको मेहनत कश होना कहते हैं, क्योंकि उसको अपना परिवार पालना है। अगर उसका सिर्फ गाड़ी चलाने से काम नहीं चल रहा है या सिर्फ न्यूज बनाने से काम नहीं चल रहा है, तो गाड़ी भी चलाएगा और मैं भी करूंगा, कोई भी करेगा, जो समझदार आदमी होगा वो करेगा, जो जाहिल आदमी होगा वो नहीं करेगा, अपने बच्चों को भूखा मार दे वो। क्या बात कर, बेसिकली तुम लोग आलसी हो, एक नंबर के, एक नंबर के आलसी हो, और मजहब का इस्तेमाल करते हो अपने शीट के लिए, कामचोरी के लिए। ये मैं नहीं कहता, ये तुम्हारे यहाँ के बड़े बड़े लोग करते हैं। देखो ये नजम सेठी, सुनो क्या कह रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं, पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और सारी वक्त हर वक्त जो है वो मजहब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि इफ़िशेंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है, तो पता चलता था चौकीदार साहब पांच वक्त की पांच नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो नमाज़ भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। समझे, ये करते हो तुम लोग, और इसमें क्या खराबी है? मैं अगर मेहनत कश हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं मेहनत से घबराता नहीं हूं, मैं तीन तीन काम क्या, मैं चार चार काम करूंगा, तुम्हारे जैसा आलसी और कामचोर नहीं हूं। क्या लॉजिक दे रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी नंगे हो जाते हैं फौरन नंगे हो जाते हैं। पर तो रूल है कि एक काम के अलावा दूसरा काम करने नहीं देते, वही नहीं कर रहे ना कि इंडिया वाले करते हैं वो, मतलब कपड़े भी धोते हैं। आप गए हुए? नहीं मैं गया नहीं हूँ। तो गए नहीं हुए, आपको ये सारी बातें कैसे पता? मतलब हमारे पाकिस्तान के एक रिकॉर्ड है ना, हम जहाँ पर जाते अपने रिकॉर्ड बना के जाते। तो कैसा रिकॉर्ड बनाते हैं? ईमानदारी का और पावर का, अपने पावर लाजमी इस्तेमाल करते हैं। सर ईमानदारी के हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, तो सर देखिए दुनिया हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट करती, दुनिया हम एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप सच बोलोगे तो आपको, मतलब घर में आप सच बोलोगे तो आपको घर से भी निकाल दिया जाएगा। अच्छा, इस हम लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान में सब सारे सच बोलते हैं। इमरान खान सच बोल रहे हैं, कहाँ पर है? सच बोलोगे तो जेल में जाओगे, लात मारेगी, थप्पड़ मारेंगे लोग आपके साथ, रिश्तेदार खत्म होंगे। ये सच क्यों बोलते हैं? झूठ बोले, खुशामद करो, हंसो और कहते बहुत अच्छा बन। सर दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक रोल है, पाकिस्तान के ऊपर जो बदमाश करप्ट लोग ज्यादा हुए पड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में अच्छाई ज्यादा या बुराई ज्यादा? अच्छाई ज्यादा, इसलिए दुनिया चल रही है। ये 1 करोड़ करप्ट लोग, 1 करोड़ होंगे ना टोटल मिला के सरकारी में जितनी भी है, 100 जितनी भी है,
वो सब हमारे ऊपर 23 करोड़ गैरगमाल बनाए। सर हमारे लोग कहते हैं कि अब इंडिया की जो पावर है मईशत बहुत ज्यादा मजबूत होगी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये बात तो सही है सर। ईमानदारी में भी बहुत ज्यादा, ईमानदारी में नहीं हुआ है सर, झुका नहीं हुआ है। जहाँ पर आपका फायदा सर झुका कर आपका तरक्की करते हो, आपका मुल्क आगे बढ़ता, तो सर झुका रहे ना। अगर आप देखो अमेरिका में पैसे दे रहे हैं, जाओ ड्रोन हमले करो, क्या इसको आप लेते रहो, ड्रोन हमलों को मारते रहो, ये तो लेते रह रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, अमेरिका से पैसे ले रहे हैं। जाहिर है कि वो इस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे ना, क्योंकि अमेरिका को हम कह नहीं सकते कि भाई जाओ अपना काम करो, हमारा अपना मुल्क है, तुम क्यों कहते हो। इंडिया वाले नहीं कर रहे। और भाई दूसरा बात है कि वो लोग हिंदू है, यानी क्रिश्चियन हो गया या हिंदू हो गया, जो भी मतलब है कि आप गैर मजहब है, उनका जरूर साथ देंगे। अच्छा। उन्होंने तो क्या है ना, आपको आप मुसलमान लोग कोशिश करेंगे आप मुसलमान को दबा के रखें। आप नफरत फील कर रहे हैं ना, आप ये नफरत आप फील कर रहे हैं ना, ये है वो नफरत। पाकिस्तानियों को कोई और तबाह नहीं कर रहा है, ये नफरत तबाह कर रही है। खुद काम नहीं करेंगे, सामने वाला मेहनत कश कर रहा है, सामने वाला वो काफिर है, वो सब मिल गए हैं। आपने क्या किया, आपने मेहनत की? सच बोलने वालों को जेल में डाल देते हैं। इमरान खान सच्चा है? तोशाखाना का केस क्या है? इमरान खान सच्चा है? बेपर्दा कर दूंगा मैं इमरान खान को किसी दिन बैठा अगर ढंग से, तो सच्चा है तो। और कोई मेरे, अच्छा चलो अभी सबूत देता हूं। इमरान खान के टाइम पे जितना करप्शन बढ़ा उतना कभी नहीं बढ़ा। जब शहबाज शरीफ गया था 116वें नंबर पर थे आप करप्शन इंडेक्स में, इमरान खान जब गया 140वें नंबर पर थे। इमरान खान सच्चा है तो इमरान खान में करप्शन कैसे बढ़ गई? इमरान खान ने कहा था ऑन रिकॉर्ड, मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। इमरान खान ने रिकॉर्ड बनाया, सही कहा आपने, इमरान खान ने रिकॉर्ड बनाया कर्जा लेने का। 76 साल में पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया होगा वो एक तरफ, और 4 साल में पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया वो एक तरफ, इमरान खान के टेन्योर में दोनों करीब करीब बराबर है। क्या बात करते हैं आप, 76 साल में जितना कर्जा पाकिस्तान, एक जो पाकिस्तानी पैदा भी नहीं हुआ उसके ऊपर जो कर्जा है वो इमरान खान ने 4 साल में डबल कर दिया। स्क्रीनशॉट लगाया जाकर पढ़ लेना। और आप कहते हैं कि इमरान खान सच्चा आदमी था, यही तो झूठ बोल बोल के तुम लोग की ऐसी हालत हुई पड़ी है। दूसरों को नीचा दिखाना बंद करो, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना बंद करो, खुद अच्छा करो, खुद मिसाल बनो, उसके बाद बात करना। देख नहीं रहे फलस्तीन में कश्मीर में क्या नहीं हो रहा है, कभी किसी ने बोले आवाज उठाई? ये हमारा कसूर है, मुसलमानों का, दूसरों का, नॉन मुस्लिम का कसूर नहीं है, ये ना हिंदू का कसूर है ना ये क्रिश्चियन का कसूर है। हमने अपने नॉर्म्स खोई है। आप बताएं तालीमी निजाम में हमारा नंबर कहाँ पे आता है? तालीम में हम कोई तालीम हासिल कर रहे हैं? हम आईटी में हम कहाँ पर है? हम इसमें ये बात सही है कि हम लोग बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, बहुत नहीं बहुत ज्यादा कमजोर है। बिल्कुल हमें तालीम में फोकस करना है, हमें तालीमी मैदान में क्या करना है, हमने कोशिश करनी कि हर एक चीज खुद बनाए। ये मोबाइल आपने निकाला यूज कर रहे हैं, ये किसकी इजाद है? अंग्रेज की इजाद है, गोरों की इजाद है। हमने अपने अपनी तरफ से क्या बनाया? एटम बम भी हमने कॉपी किया अंग्रेजों का, उन्होंने पहले बनाया था, हमने बनाया नहीं, अंग्रेजों ने नहीं किया। ये जितने भी बड़े बड़े इजादात है तो सारे मुसलमानों ने, सियासदान ने सर वो किए थे, वो सर 100-107 साल मुसलमानों के सुनहरी दौर गुजरा, लेकिन मौजूदा टाइम के अंदर हमने क्यों अपने हालात खराब किए? एटम बम मुसलमानों की इजाद है। अबे शर्म कर लो, यहूदियों से तो तुम लोग इतनी नफरत करते हो, एटम बम एक यहूदी ने बनाया था, उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो तुम अपने यहाँ। मोबाइल फोन एक यहूदी ने बनाया था, उसकी टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हो इस्तेमाल, शर्म कर लो। नहीं, इस पे शर्म नहीं आएगी, क्योंकि हम बड़े मुनाफिक लोग हैं। हम जो अपने फायदे की चीज होती है वो हम कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो साइंसदान मुसलमान था जिसने बनाया, एटम बम मुसलमान साइंसदान ने बनाया था। हालात खराब किए हुए हैं लोग, जो अंग्रेज जो मुसलमानों के काम थे वो अंग्रेज कर रहे हैं, और जो अंग्रेज का काम है वो हम लोग मुसलमान। सर दुनिया बजरिए मुशक्कत है, आप जिस तरह की मेहनत करेंगे, जिस तरह के काम करेंगे, अल्लाह ताला आप चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्लाह ताला आपको नवाजता है। आज देखें क्या कर रहे हैं, दुनिया बजरिए मुशक्कत, मैंने पहले बताया आपको। इसी तरह अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं आप लोग, हर चीज। टाइपराइटर आपने बनाया, प्रिंटिंग मशीन आपने बनाई, कलम आपने इजाद की, जीरो इंडियंस ने दिया, शर्ट के बटन इंडियंस ने दिए, चिप इंडियन ने दी, वाईफाई इंडियन ने दिया, आपने क्या दिया? अलजबरा,
उसमें इंडियंस ने क्या काम किया है, नहीं यकीन आ रहा। IBM इतनी बड़ी कंपनी है ना दुनिया में कंप्यूटर की और इसकी, आप जाकर देखो कई साल पहले उसका एक एड छपा था और उसमें उन्होंने इंडियंस को बधाई दी थी कि अगर आपने अलजेब्रा में इतना काम नहीं किया होता तो आज कंप्यूटिंग इतना आगे नहीं बढ़ा होता। स्क्रीन पर पढ़ लेना, जाकर ढूंढ लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। क्या बात करते हो यार, आपका काम है ना ठप्पा लगाना अपने पास, हमने किया हमने किया हमने किया, सिर्फ मुसलमानों का वो करने के लिए कि देखो मुसलमान कैसे हैं। सच बोलो यार, सच बोलो। झूठ और नफरत मुसलमानों को तबाह कर रही है। झूठी बातों पे भरोसा करना, चेक किया आपने कभी? नहीं किया होगा कभी आपने कोई चेक। इसी तरह गोरों ने कहा कि भाई इंसानियत को फायदा पहुंचाना है, इंसानों के लिए। कहां पर पहुंच जाते हैं, फिलिस्तीन में मुसलमानों को मर रहे और अगले दिन कह रहे कि यार कोई बात नहीं है मुसलमान है मर गए तो नहीं, नहीं, नहीं। सर, हम ये हमारी कमजोरी है, हम किसी पर नहीं देखे। हम जब सुने हम जब ताकतवर थे, हमारे पास जब मुसलमानों के पास पावर थी। छोड़ो ताकतवर थे क्या थे नहीं थे, ये बताओ बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, कौन मार रहा है, कौन मार रहा है बलूचिस्तान में मुसलमानों को? पाराचिनार में इतने शिया मुसलमानों को मार डाला गया, कौन मार रहा है पाराचिनार में? अंग्रेज आके मार रहा है, काफिर आके मार रहे हैं, कौन मार रहा है? अपने अंदर झांक कर देखोगे नहीं और दूसरों पर दोष मढ़ोगे। पिछले 8 साल में 4,000 शिया मुसलमानों का कत्ल किया जा चुका है पाकिस्तान में, कौन मार रहा है वो, अंग्रेज या काफिर? फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात करते हो, सीरिया के मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? लाखों मारे गए मुसलमानों ने मारा। यमन के मुसलमानों की क्यों नहीं बात करते, जिसको सऊदी अरबिया ने लाखों यमन के मुसलमानों को मार डाला, बच्चों को मार डाला, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? अंग्रेज आए थे मारने? नहीं, चूंकि वो मुसलमान मार रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, उनकी बात छुपा लेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, वो मुसलमान नहीं है, वो जान नहीं है। ये दोगलापन बंद करो, नहीं तो तुम लोग ऐसे ही तबाह होते रहो, एक नंबर के दोगले हो तुम लोग। थी तो क्या यरूशलम मस्जिद अक्सा किसके हाथ में थी? हमारे हाथ में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में मस्जिद अक्सा किसके हाथ में थी? हमारे हाथ में थी। सुल्तान अय्यूबी के टाइम में मस्जिद अक्सा किसके हाथ थी? हमारे हाथ थी। आज हम कमजोर हुए हैं सर, आज हमने तालीम छोड़ी है। अंग्रेज तो मस्जिद अक्सा का जाके इतिहास भी तो पढ़ो। मस्जिद अक्सा जिसके ऊपर बनाई गई वो क्या था? वो यहूदियों का था। इसकी बात नहीं करोगे? आपने जाके उसको तोड़ के कब्जा लिया तो उसकी बात करोगे? देखो मुसलमानों ने जाके कब्जा कर लिया, देखो कितने ताकतवर हैं हम, लेकिन किसी और का कब्जा किया ना, वो यहूदियों का है और वो रिटर्न है, उसके ऊपर आपने मस्जिद अक्सा बनाई तो वो छोड़ देंगे? वाह गजब दोगलापन है भाई। अंग्रेजों ने जो हमारी जो तालीम थी, जो हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दिया, उन्होंने उनको मतलब है कि फोकस किया और हमने अंग्रेजों की कॉपी की। अब मतलब है कि इस वजह से हम लोग पीछे चले गए। और लेकिन ये बात नहीं कि अंग्रेज में इंसानियत है, वो कुत्ते को उसका कुत्ता मर रहा होता है उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन एक मुसलमान को मारने के लिए सारे कौम इकट्ठी होती है। सर हमने खुद अपनी हिफाजत, आप बताएं मुझे, आप अपनी हिफाजत खुद करेंगे या 4-5 बंदे रखे होंगे आपने हिफाजत के लिए? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे खुद करें ना। तो हम एज अ मुसलमान एज अ इंसान हमें अपनी कौम अपने पाकिस्तान की हिफाजत भी खुद करनी है। इंशाल्लाह करेंगे और हर किस्म का दिफा करेंगे। चलें सर, बहुत अच्छा लगा, आप नमाज के लिए लेट हो रहे हैं, आप जरूर जाएं नमाज पढ़ें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। चलो भैया बात खत्म करते हैं, आपने सुन ली ना, 99.99% मुसलमानों के साथ ये दिक्कत है। टोपी ट्रांसफर, नफरत, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊपर दिखाना, सुपर मैसेज बताना, प्रॉब्लम यहां पर है। दुनिया के टॉप 100 इन्वेंशंस में बताओ कि कितने मुसलमानों के इन्वेंशन है। अब तक मिले नोबेल प्राइजों में बताओ कितने मुसलमानों को नोबेल प्राइज मिले हैं रिसर्च के लिए और नई इन्वेंशन के लिए, नई खोज के लिए। यहूदी मुट्ठी भरे हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, यहूदी मुट्ठी भरे हैं, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उनके नाम पर है, क्योंकि पढ़ते हैं, लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं दिमाग से। आपकी तरह दिमाग में कोड़ भरकर नहीं बैठे हैं वो, ये नहीं कहते कि दुनिया भर पर हम जूस का झंडा लहराएंगे, दुनिया भर को हम जूस बनाएंगे, फतह करेंगे पूरी दुनिया को, नहीं करते वो। हमने इतने इन्वेंशन किए, हमने इतनी चीजें दुनिया को दी, क्यों दी? हम ये नहीं कहते कि पूरी दुनिया को हम हिंदू बनाएंगे,
पूरी दुनिया पर हिंदू राष्ट्र उसको घोषित करेंगे, हिंदू कानून लागू करवाएंगे, नहीं करते हम। हम अपने लिए काम करते हैं। आप अपने लिए काम नहीं करते, दूसरों की चीजें छीनने के लिए काम करते हो कि दूसरों के पास ये छीन लो, उनसे उनको दबा दो, उनको मार दो, उनको काट दो, आप लोग ये करते हो। इसलिए आप लोगों की ऐसी हालत है। और जिन मुस्लिम देशों ने इस सोच को पीछे छोड़ दिया है वो मुसलमान देश आगे बढ़ रहे हैं, वो चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे टर्की हो, आप इनको देख लीजिए, सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग ये समझोगे नहीं, आप जो काम करो वो आपके लिए प्राउड की बात हो गई, वही काम सामने वाला करे तो वो जुल्म हो गया। कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो आपका प्राउड मोमेंट है, देखो मैं कितना पावरफुल हूं। लेकिन सामने वाले ने आपको थप्पड़ मारा, देखो जी ये तो हमारे ऊपर जुल्म है। जब तक इसको आप एहसास नहीं करेंगे आपका गुजारा नहीं। बाकी तो रिजल्ट दिख रहा है, 76 ईयर्स में आप लोगों ने क्या हासिल किया। और ऐसी सोच पर हम लोग हंसते हैं क्योंकि आप लोग एक सिरे से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। खैर दोस्तों, कमेंट करके बताएं भाई आपको कैसा लगा ये वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।